जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलाम अला नबील अमीन वअला आलिही वसहाबीही अजमईन अम्मा बाद फक़ाल तआला बादा उज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाजिर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अजियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है।